हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की और कॉमन एरर्स की। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एक नंबर का आए या पाँच नंबर का आए। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल लर्निंग हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे इसे। चलिए चलते हैं। इस साइड फर्स्ट कॉलम में जो है ये रहेगा इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, और सेकंड कॉलम में जो है ये रहेगा उसी का करेक्ट एक्सप्रेशन। तो कज़न ब्रदर या सिस्टर, कज़न ब्रदर या सिस्टर का होगा कज़न, क्योंकि कज़न ब्रदर या सिस्टर इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा। कज़न का मीनिंग होता है ममेरा, चचेरा, फुफेरा, भाई या बहन, तो इसीलिए कज़न ब्रदर या सिस्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल कज़न करेक्ट है। सपोजिंग इफ, सपोजिंग इफ ये बता रहा है कि आप सपोज करो या यदि, इफ मतलब यदि हिंदी में, सपोजिंग या सपोज का मतलब होता है कि सपोज करो, कल्पना करो अगर ऐसा हो तो। तो यदि कभी मीनिंग हिंदी में वही है, सपोज कभी लगभग वही है, इसीलिए दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएगा। या तो यूज करेंगे सपोज या यूज करेंगे इफ। काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली रिक्वेस्टेड का करेक्ट एक्सप्रेशन होगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि जब हम कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो काइंडली का जो काइंडली का जो मीनिंग रहेगा और जो सेंस रहेगा, इमोशन रहेगा, वो रिक्वेस्टेड में इंक्लूड रहेगा। इसीलिए काइंडली रिक्वेस्टेड ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन इज रिक्वेस्टेड। फाइनल कॉन्क्लूजन, फाइनल कॉन्क्लूजन इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि कॉन्क्लूजन जब हम किसी का करते हैं तो वो फाइनल ही होता है, या हम फाइनल ही करते हैं कॉन्क्लूजन करके किसी भी चीज का। फ्रीशिप, फ्रीशिप का होगा फ्री स्टूडेंटशिप। लेक्चरशिप, लेक्चरशिप ये बहुत ही इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है जो बहुत लोगों के द्वारा अक्सर बोला जाता है। इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा लेक्चरशिप, सॉरी शायद मैंने यहाँ लेक्चररशिप नहीं बोला, लेक्चरशिप बोला, तो ये लेक्चररशिप है, ये लेक्चरशिप होगा। फनरल सर्विस, फनरल का होता है मीनिंग हिंदी में अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार में सर्विस जो वर्ड है हिंदी के लिए ये रॉन्ग हो जाता है, इसका करेक्ट होगा फनरल। रिटर्न बैक, इसे एक साथ देख लीजिए, रिटर्न बैक, रिट्रीट बैक, रिसीड बैक, रिकॉल बैक, रिकॉस्ट बैक, इन सब में हम बोलेंगे रिटर्न या कम बैक, रिटर्न बैक के लिए, और इन सब में आप बैग जो है इसको हटा दीजिए, ठीक है, बैग जो है इसको हटा दीजिए। रिट्रीट बैग का होगा केवल रिट्रीट, रिसीड बैग का होगा रिसीड, रिकॉल बैग का होगा रिकॉल, रिकास्ट का होगा रिकास्ट, री राइट बैग का होगा वैसे ही री राइट, रिम्बर्स बैग का होगा रिम्बर्स, कॉन्सेंसस ओपिनियन, कॉन्सेंसस ओपिनियन का होगा कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मीनिंग होता है कि एक जूरी होगी, पैनल ऑफ जजेस होंगे जो अपना ओपिनियन देंगे और वो फाइनल होगा, तो वो ओपिनियन अपना देंगे ही, और जो कॉन्सेंसस होगा वो ओपिनियन ही होगा लास्ट में। जैसे पंच अपना निर्णय देते हैं पंचायत में, समझ लो ऐसा, तो वो कॉन्सेंसस ओपिनियन है, तो यहाँ ओपिनियन वर्ड नहीं आएगा। कॉन्सेंसस यानी कि ओपिनियन जजस और जूरी के द्वारा दिया गया, या सर्वसम्मति से मिलाकर ओपिनियन या फैसला दिया गया। कॉन्सर्ट, हस्बैंड और वाइफ, कॉन्सर्ट का मीनिंग यहाँ जो होता है वो है समझ लीजिए कि कंपेनियन, जो साथ देता है, तो कॉन्सर्ट
इसका करेक्ट होगा कॉवर्ड मैन, कॉवर्ड मैन का होगा ओनली कॉवर्ड। फ्ली अवे, फ्ली अवे का होगा फ्ली और रन अवे, क्योंकि रन अवे और फ्ली दोनों का मीनिंग एक ही है। सेंट परसेंट, इसे सेंट कर लीजिए, सेंट परसेंट का होगा 100%, क्योंकि सेंट ये कुछ वर्ड नहीं है, सेंट नहीं है कुछ। करेक्ट एक्सप्रेशन इज 100%। ओवरटर्न, ओवरटर्न का होगा टर्न ओवर। कट जोक्स का होगा क्रैक जोक्स। ये बहुत ही स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जाता है अक्सर, ये वल्गर लैंग्वेज में तो ठीक होता है बट इसका करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी क्रैक जोक्स। फास्ट एनिमीज, फास्ट एनिमीज का होगा स्वर्ण एनिमीज। लिंकिंग रोड, लिंकिंग रोड का होगा लिंक रोड। लिंकिंग लैंग्वेज का होगा लिंक लैंग्वेज, मतलब लिंकिंग नहीं आएगा किसी भी वर्ड में साथ में, लिंकिंग का लिंक होगा। रिपीट अगेन, रिकॉल अगेन, रिसीड अगेन, रीगेन अगेन, रीबॉर्न अगेन, रीबिल्ट अगेन। तो इन सब में जैसे रिपीट, रिकेट, रीगेन, रीबॉर्न बैक के साथ था, वैसे ही ये अगेन के साथ भी यूज होता है जो इनकरेक्ट है। तो इसे भी करेक्ट करने के लिए इन सब के पीछे जो अगेन है उसको हटा दीजिए। रिपीट अगेन का होगा रिपीट, रिकॉल का होगा रिकॉल, रिसीड अगेन का होगा रिसीड, रिगेन का होगा रिगेन, रिबॉर्न अगेन का होगा रिबॉर्न, रिबिल्ड का होगा रिबिल्ड। मैंने वर्ड वर्ड रूट वाला एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ये जो री है ये वर्ड रूट है, ये जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है कि कुछ भी रिपीट करने या कुछ भी फिर से दोहराना या करना। तो वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के, जो वोकैबुलरी आती है बहुत सारी जो वर्ड्स होती हैं इंग्लिश की उसको समझने के लिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है वो वीडियो। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगा। ओवरराइड, ओवरराइड का होगा प्रिवेल ओवर। सफिशिएंट इनफ, सफिशिएंट और इनफ ये दोनों लगभग सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त, लेकिन ये दोनों का यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए सफिशिएंट यूज होगा या इनफ यूज होगा। सफिशिएंट का यूज जनरली पॉजिटिव सेंस के लिए किया जाता है और नेगेटिव सेंस के लिए इनफ का यूज। कंपैरेटिवली बेटर, देखिए ये बहुत ही लोगों के द्वारा मैंने सुना है, ये बोलते हैं वर्ड कंपैरेटिवली बेटर। तो देखिए बेटर जो होता है वो गुड का सेकंड फॉर्म होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर कब यूज़ करते हैं? जब कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए कंपैरेटिवली यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद कंपेयर करके किसी से बता रहा है कि आई एम बेटर, इसीलिए और कंपेयर क्यों करना। इसीलिए यहाँ कंपैरेटिवली गुड बोलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है गुड, या केवल बेटर बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सडनली कम अक्रॉस, सडनली कम अक्रॉस ये करेक्ट एक्सप्रेशन इसका होगा कम अक्रॉस, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब होता है हिंदी में अचानक किसी से मिलना, अचानक मुलाकात हो जाना, अचानक कोई चीज़ जानना, ये सब। तो सडनली का जो सेंस है कम अक्रॉस में इंक्लूड है। एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर का होगा ए टीचर ऑफ इंग्लिश। रीज़न बिकॉज का होगा रीज़न वाई, रीज़न वाई। म्यूचुअल फ्रेंड का होगा कॉमन फ्रेंड। म्यूचुअल इंटरेस्ट का होगा कॉमन इंटरेस्ट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का होगा ओनली एग्रीमेंट। यस्टरडे नाइट का होगा लास्ट नाइट। क्वाइट ऑल का होगा क्वाइट और ऑल।
क्योंकि क्वाइट का मतलब जो है ये क्यू यू आई टी ई, इसका मतलब होता है हिंदी में बिल्कुल, और इसका लिटरली मीनिंग भी होता है ऑल। इसीलिए क्वाइट यूज़ करेंगे या ऑल। एक क्वाइट और होता है क्यू यू आई ई टी, ई टी जहाँ भी आए क्यू यू आई ई टी उसका मतलब होता है शांत। क्वाइट कीप क्वाइट जैसे बोलते हैं, तो वो कीप क्वाइट जो बोलते हैं उसमें ये क्वाइट नहीं आता, वो आता है क्यू यू आई ई टी, क्यू यू आई ई टी। थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट द होल ईयर का होगा थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट और होल ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन देते हैं अपने अपने मीनिंग से, इसीलिए थ्रू आउट द होल ईयर नहीं होगा, थ्रू आउट द ईयर होगा। इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। लर्निंग हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब्स फॉर अपडेट्स, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो करें, साथ ही ऐसी वीडियोस आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लर्निंग हब साइनिंग ऑफ।